नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, घर से करीबन 2-4 किलोमीटर की दूरी में सांप पकड़ने के लिए आए हुए हैं। वो भैया के सूचना पर, थोड़ा सा उनके सूचना पर, देखिए क्या हो रहा था। डैम के ऊपर से हम आ रहे थे और उसी में भैया लोग मेरे घर पहुंच जा रहा था हमको लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कोई किचन रूम में बड़ा सा सांप नजर आया है, तो खाना पीना सब बंद हो गया ये लोग का। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। चलो दोस्तों, देखिए ये भी हमारा सांप पकड़ने के मुहिम में जुड़ा हुआ है। शिवादा इनका नाम है और ये भी बहुत अच्छा सांप को पकड़ लेते हैं। किसी को अगर सांप पकड़ना है इनसे भी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, तो नजरें अपना जमाए रखें। घर से करीबन 4 से 5 बार हमने सांप पकड़ कर लेकर गया। तो दोस्तों, पहले पूरा ये सेटअप कर लीजिए किचन रूम का। पीछे चले जाओ तुम लोग। किचन रूम है, एक गैस भी शायद रखा हुआ। हमारे पंचतंत्र में क्या है दोस्तों, लाइन का सुविधा बहुत ज्यादा है और इसी में है हम लोग हीटर से खाना पकाते हैं और यहाँ पर गैस वगैरह से खाना पकाया जा रहा है। और इसी में एक सांप थोड़ा सा सामने पीछे की ओर आ रहा है। ठीक, पपीली के पीछे की ओर आ रहा है। ओह धैम ना हो। पपीली के पीछे आखिरकार सांप ने उत्पात मचा रखा है। सांप कहाँ घुस गया? देखिए, देखिए सांप कहाँ से निकल रहा है। देख रहे हैं सब की, इधर से निकला और पीछे से आ रहा है सांप। तो दोस्तों, इसी को हम लोग इंडियन रेड स्नेक के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा भी जहरीला तो है नहीं, लेकिन किसी को अगर काट ले तो हार्ट अटैक से उनका मरना निश्चित है। क्योंकि सांप नहीं, आज के डेट में सांप के नाम से लोगों को डर भय और आतंक हो चुका है। सांप एक ऐसा प्राणी है, ऐसा रेप्टाइल है जिसके नाम से लोगों के अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया है। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत सांपों को, हम ये नहीं कह रहे हैं सांप के दुनिया में हम बहुत ज्यादा बड़े हैं, थोड़ा बहुत सांपों को बचाने के लिए जानते हैं। इसलिए लोगों का मदद इसी में कर देते हैं। लोगों की सूचना पर, भाई लोगों की सूचना पर आपके घर हमेशा आना जाना लगा हुआ रहता है और इसी में हम लोग सांप को पकड़कर किसी बिग फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हैं। क्योंकि सांप पकड़ना एक आर्ट है, एक कला है। इसे जिस दिन आप मिस्टेक कर गए, जिस दिन हम मिस कर गए, उस दिन हमारे फोटो में अगरबत्ती लगना निश्चित है और भोज आप ही को खाना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों, जहरीला सांप अगर आपको काट ले तो जहर से जान जाना निश्चित है। अगर बिना जहर वाला सांप काट ले तो हार्ट अटैक से जान जाना है और जहर वाला काट ले तो जहर से जान जाना निश्चित है। तो दोस्तों, ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग इस टेक्निक को दोहराने का कोशिश ना करें, क्योंकि अगर दोहराते हैं तो 4-5 LIC जरूर करवा ले। अगर LIC करवा लेते हैं तो आपको घर वालों को आपका दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियो को देखकर, फोटो को देखकर नकल करने का कोशिश करते हैं। तो नकल मत कीजिए, क्योंकि नकल में बहुत ज्यादा अकल लगता है। चलिए बाहर लेकर चलते हैं। तो ऐसे में डर का बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ। आ, आ। सांप को पकड़ने के आगे आप ट्रेनिंग ले ले। ट्रेनिंग लेने से क्या होता है, सांप के बारे में नॉलेज हो जाता है। नॉलेज होने के बाद अगर आपको कोई सांप काट ले तो आप डर से नहीं मरिएगा, यही सच्चाई है। अन्यथा डर से हार्ट अटैक होना निश्चित है। कभी भी अगर आपको और हमें सांप काट लेता है तो कहाँ जाना है, सरकारी सदर अस्पताल की ओर। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि
तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से आज तक किसी का जान नहीं बच पाया और घर के अंदर बहुत ज़्यादा चूहा होगा। स्टोर रूम में चूहा रहता है, जहाँ पर खाना वगैरह पकता है वहाँ पर चूहा रहता है, और चूहों को कम करने के लिए सांप जो है गॉड गिफ्ट। हाथ अगर इसके मुंह के सामने अगर लेकर जाते हैं तो ये काट लेगा। इस तरह से आप ना करें, ये रेडिएशन वाइब्रेशन ध्वनि तरंग वायु तरंग को फील कर रहा है सामने। थोड़ी सी हरकत और ये बाइट कर लेगा। बाइट करने के बाद हार्ट बीट का तेज हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता लोग 10-20 लोग मिलकर आपको डरा डालेंगे, और डराने के बाद आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलेगा? हार्ट अटैक। इसीलिए कभी भी सांप काट ले देन एंड देयर सरकारी सदर अस्पताल की ओर जाने का कोशिश करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। और इसमें एक बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, इसके पूछ में कोई कांटा वगैरह जहर पाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं पर अपने पूछ से अगर मार दे तो मांस सड़ता और गलता नहीं है। इंग्लिश इंडियन रैट स्नैक, हिंदी धामन, बांग्ला तड़ास के नाम से इसे ही हम लोग जानते हैं, और साइंस इसे पटियास मकोसा के नाम से जानता है दोस्तों। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि बेल बटन प्रेस करने से सांप से एनिमल से रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।